मेरे मन में इस वक्त सबसे बड़ी चिंता यह है कि टप्पू के पापा कहाँ गए होंगे। हम अभी उनके सभी दोस्तों को फोन करके पता लगाते हैं। ओ यारो की गल कर रहे हो तुम लोग, अपने जेठा परा पे शक कर रहे हो। वो अपना जेठा परा दूसरी शादी कर ही नहीं सकता। देखो गुलाब, तुम्हें कोर्ट से या आपसी समझौते से तुम्हारा हक तो मिलेगा ही मिलेगा। तुम्हारा केस मैं लड़ूंगी। उनके लिए क्यों? सोसाइटी में इतना कुछ हो गया, तुझे कुछ पता ही नहीं है? मैं डिनर के लिए बाहर गया था ना, मुझे क्या मालूम क्या हुआ। मैं सब बताता हूँ। वो क्या है ना, सोसाइटी में एक औरत आई है, वो बोल रही है कि वो जेठालाल की दूसरी पत्नी है। क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ भाई, इतना जोर से ब्रेक क्यों मारा? सामने से रिक्शा आ रही है। तो तुमको क्या दूर का चश्मा है? रिक्शा एकदम नजदीक है, बाद में दिखाई दे। रिक्शा ही ब्रेक मारो, ब्रेक मारो। सॉरी सर। जेठा भाई। हाँ हाँ, वही जेठालाल। जेठा भाई आ गए। अरे सॉरी सॉरी भाई, मैं तुमको क्यों बोल रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी कुंडली की है। कुलधम में आते ही झटके शुरू हो गए। चल 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 अब जल्दी सोसाइटी वालों को बुलाते, सब पता चल जाएगा। सुदीप, अति भाई, अय्यर भाई, अरे जल्दी नीचे आओ। इतनी जल्दी लस्सी आ गई? फोटलाल की आवाज देखते चलो। बापूजी, किसी को पता नहीं सेठ जी के बारे में। मुझे टप्पू के पापा की बहुत चिंता हो रही है। वो कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, किस हाल में होंगे? मुझे लगता है अब हमें पुलिस में ही कंप्लेंट कर देनी चाहिए। लस्सी आ गई? अरे भाई वो आ गया। वो कौन? जेठालाल, जेठालाल आ गया। कमाल है, जेठा परा तो ऐसे खुश होते हुए आ रहा है जैसे नवा नवेला दूल्हा। लेकिन अब सब पता चल जाएगा सोड़ी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खरे करा, सभी सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी मालूम पड़ जाएगा कि जेठालाल शादीशुदा है कि नहीं। ऐसे मतलब ये जेठालाल का गुलाबों के साथ शादी हुआ है कि नहीं। पोपटलाल, अरे क्या बात है, आज क्लब हाउस के बाहर चाली में मीटिंग चल रही है। हाँ हाँ। किस बारे में? तुम्हारे बारे में। मतलब हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे कि आप मीटिंग में नहीं है, इसकी कमी महसूस हो रही है। अच्छा, लेकिन ये पोपटलाल नीचे क्यों खड़ा है, इसको मीटिंग से हकल दिया क्या? और सोडे कैसा है यारा? चंगा यारा। अरे ये क्या सोडी, हमेशा तू तो एकदम जोशीला होता है, आज ढीला जैसा क्यों हो गया? ओए जेड़ा ब्रा, मैं एकदम फिट हूँ, जोशीला हूँ, चंगा हूँ। फिर ढीला हो गया तू? हाँ, वैसे जेठा भाई नेचुरोपैथी में कैसा रहा? हाँ, कैसा था? अरे पूछिए हम। आती भाई, आपको कैसे पता चला मैं नेचुरोपैथी में गया था? नहीं, मुझे क्या, यहाँ तो सबको पता चल गया है। ये गया के पेट में एक बात नहीं टिकती, मना किया था किसी को बताने के लिए, फिर भी बता दिया। चलो अभी आप लोगों को पता चल ही गया है तो आपसे क्या छुपाना। मैं गया था नेचुरोपैथी में, वहां जाके एकदम तरोताजा हो गया, तरवराट आ गया बदन में। वैसे वजन कम करके मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने दया को मना किया था कि ध्यान रहे सोसाइटी में, किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। हाँ जेठा भाई, वो तो पता चल गया,
लेकिन जो बात नहीं पता चलनी थी वो भी पता चल गई। मतलब मैं नेचुरोपैथी से भाग गया ये भी इनको पता चल गया? पर ये बात तो दया को भी पता नहीं, फिर इनको कैसे पता चल गया? दरअसल क्या मैं वहां गया नेचुरोपैथी में और वहां जाकर मैंने थोड़ा आत्ममंथन किया और अचानक मुझे आत्मस्फूर्ण हुई कि तन और मन वजन कम करने से नहीं खुश रहने से तंदुरुस्त रहते हैं और ऐसी खुशी तो अपनों के बीच रहकर ही मिलती है, इसलिए मैं खुश होने वहां से भागकर अपनों के बीच आ गया। आज क्या बात क्या है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सब मुझे ऐसा क्यों देख रहे जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से आया हूं? दया बापू जी टप्पू कहाँ हैं? कहाँ वो लोग? क्या हुआ है? भीड़ है? बोल। घर वाले सब ठीक है? हाँ हाँ। हाँ लेकिन जेठालाल घर पर कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? क्या हुआ मेरे घर में? नहीं नहीं जेठा भाई, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ हाँ। सोनिए की गल कर रही है तू? और टेंशन की तो गल है यार। हाँ तो क्या टेंशन की क्या गल है छोटी? नहीं नहीं जेठा जी, टेंशन की कोई बात नहीं। बबीता जी आप लोग सब कह रहे हैं कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप सबके चेहरे के हाव भाव तो यही कह रहे हैं कि जरूर कोई टेंशन है। अय्यर भाई आप तो हमेशा जो होता है वो मेरे मुंह पे बता देते हो, फिर आज कैसे अपना स्वभाव बदल लिया? कम से कम आप तो बताइए क्या टेंशन की क्या बात है? अगर ये बात झूठ है तो हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। अगर ये बात सच है तो पर कौन सी बात? मेहता साहब कहाँ अंजलि भाभी? जेठा भाई तारक तो कुछ काम से बाहर गए हैं। ये मेहता साहब काम के टाइम पे ही काम पे चले जाते, कोई बात नहीं, कम से कम आप तो बताइए सब क्या छुपा रहे, क्या बात है? मैं नहीं बता सकती जेठा भाई, आप घर जाकर बिचारी दया भाभी से ही पूछिए। बिचारी दया? अपने बिचारी शब्द का प्रयोग क्यों किया? जल्दी से क्या? मम्मी पापा पूजी।
संभालो। साहिबा। साहिबा। जेठालाल इधर उधर क्या देख रहे हो? वो साहिबा तुमको बोल रही है। लेकिन मेरा नाम साहिबा नहीं है, मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है। पता है। तो टप्पू के पापा। एक मिनट टप्पू, बेटा तू घर जा। क्या हुआ बाबूजी, टप्पू को घर पे क्यों भेज दिया? क्या हो रहा है यहाँ? दया कौन है ये? टप्पू के पापा, इस औरत का कहना है कि हाँ कि क्या, आगे बोल। कि ये आपकी पहली पत्नी है। अच्छा। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। अरे टप्पू के पापा। साहिबा भागा। चाल काय सोडी काय माहित। साहिबा में से लगता है जेठा पर आगी आवाज ही चली गई। दिन थोड़ी है सोड़ी, आवाज चली गई। नहीं नहीं, ऐसे सिचुएशन में आवाज जाती नहीं है, बाहर देर से आती है। या ये अब क्या बोल रहा है बहन? बस टप्पू के पापा बस। मुझे बहन मत बोलिए। हमें डर जो मेरे टप्पू का नाम भी लिया था। दया मेरी छोटी बहन, मेरे साहिबा का बेटा, मेरा भी तो बेटा ही हुआ ना। क्यों मेरे साहिबा? अरे मेरा नाम साहिबा नहीं है, मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़े है। लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। टप्पू के पापा ये कह रही है कि उनके यहाँ पति को साहिबा कहते हैं। अरे पर मैं इनका, अरे इनका क्या, इसका, मैं इसका पति नहीं हूँ। पर पति क्या, मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ। दया मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने तेरे अलावा और किसी से शादी नहीं की। लेफ्ट हैंड से कसम। मैं जमने हाथ से कसम खा के कहता हूँ कि मैंने दया के अलावा और किसी से शादी नहीं की। एक मिनट जेठा भाई, मुझे लगता है आप सब ये बातें घर जाके। नहीं नहीं अंजलि भाभी, घर में नहीं। अब तो सबके सामने इस औरत की झूठ का पर्दाफाश होगा। इसने सबके सामने मेरे पति के चरित्र पर कीचड़ उछाला है। लेकिन इसलिए सबके सामने सच्चाई खुलनी चाहिए। सही बात है, वरना सभी के मन में टप्पू के पापा के लिए शंका रह जाएगी। बिल्कुल सही कह रही है दया अंजलि भाभी। अरे कौन है भाई तू, क्या दुश्मनी है तेरी मुझसे? किसके इशारे पे काम कर रही है तू? क्या बिगड़ा है मैंने तेरा? क्यों मेरा बसा बसाया संसार उजाड़ने पे तुली हुई है तू? बापूजी बचपन से लेके आज तक मैंने सिर्फ एक ही शादी की है, वो भी दया से। मुझे क्या बता रहा है, मैं तो था ना तेरी शादी में। और था क्या, तेरी शादी का खर्चा मैंने ही तो किया था। मेरी छोटी बहन दया से पहले आपकी मेरे से शादी हुई है, मेरे से। चुप है, खुद भी बोल रही है। अरे तू लेडीज है करके मैंने संयम रखा है, वरना अभी एक उल्टा हाथ की चौपड़ देता। Nonsense! दया मेरा यकीन कर, मैंने तेरे अलावा और किसी से शादी नहीं की। क्योंकि पापा मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पप्पू जी मेरा यकीन कीजिए। हाँ हाँ जीटिया, मुझे भी तुझ पे पूरा भरोसा है। गाँव वालों, सोसाइटी वालों, मेरा यकीन कीजिए। अरे भरोसा तो हम सबको तुम पर है जेठालाल।
लेकिन क्या है ना, इस लड़की के पास उसकी शादी की तस्वीरें, सीडी सब है। हाँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वो फोटो में सीडी में देखो इसके साथ इसका पति बन के कौन खड़ा है। पर मैं कैसे हो सकता हूँ, मैंने इसके साथ शादी की ही नहीं है। ये फोटो या सीडी वो सब झूठे है, जरूर कुछ मिक्सिंग करके बनाया है। नहीं नहीं साहिबा, ना फोटो झूठे है ना सीडी झूठी है और ना ही मैरिज सर्टिफिकेट झूठा है। मैरिज सर्टिफिकेट? हाँ, उस पर आपके दस्तखत भी हैं। मेरा दस्तखत? हाँ जेठालाल, वो सर्टिफिकेट तो मैंने भी चेक किया था, दस्तखत तो तुम्हारे ही है। पर मैंने ऐसे कोई दस्तखत नहीं किए। जेठालाल मैंने खुद चेक किया था, दस्तखत तुम्हारे ही है भाई। पर भाई तू इतना यकीन से कैसे कर सकता है? तू क्या हस्ताक्षर शास्त्री है? मेरे कोई झूठे दस्तखत नहीं कर सकता। अरे लेकिन जेठालाल वहां पे तुम्हारे झूठे दस्तखत कौन करेगा? अरे इसका सागरित। कहते सांग्रिक? मतलब इसकी गैंग में का इसका कोई साथी। वो नहीं कर सकता मेरी झूठी साइन। कर सकता है ना? कर सकता है क्या? उसी ने की है। हाँ बराबर। साहिबा सच्चाई से कितना भागोगे? अभी सच्चाई देखकर सब याद आ जाएगा। ये देखिए हमारी शादी का फोटो। देखिए आप मेरे को हार पहना रहे हैं और देखिए आप मेरे को मंगलसूत्र पहना रहे हैं। कुछ याद आया? क्या ये सब झूठ है? इस फोटो में जो है वो आप ही है ना? सब याद आ गया। देखा जेठा भाई क्या बोल रहे हैं आप? मतलब जेठालाल तुमने गुलाबो से शादी की है? हाँ। जेठालाल तुम्हारी चक्कर दो दो शादियां हुई है? जेठा भाई हे भगवान, यहाँ मेरी एक शादी के वांदे हैं और जेठालाल तुम्हारी दो दो शादियां हुई है। देखो घोर अन्याय है, ये घोर अन्याय। ओहो इनका अलग ही दुख है भाई, ये तो गलत बात है। नहीं 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 मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, टुप के पापा पैसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? दया ये फोटो में जो है वो मैं ही हूँ। लेकिन लेकिन ये साथी झूठी है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो सच क्या है? अरे बापू जी सच ये है। अरे बाप रे फंस गया, अब बापू जी को सच कैसे बताऊं? सभी लोग सोच रहे थे कि जेठालाल तस्वीर को देखेंगे और कहेंगे कि तस्वीर में वो नहीं है, लेकिन उन्होंने तो स्वीकार कर लिया। अब तस्वीर में जेठालाल का हमशक्ल कोई है या गुलाबों ने कोई बनावटी चित्र बनवाया, इन सारी अटकलों पे विराम लग गया जेठालाल के इस खुलासे से। अब क्या होगा, जेठालाल क्या करेंगे, इस शादी को कैसे ठुकराएंगे, क्योंकि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। जिस तरह से जेठालाल ने कह दिया कि तस्वीर में वही है, अब क्या होगा ये जानने के लिए आप और हम दोनों ही बेताब है। क्या खुलासा करेंगे वो? जिस तरह से देश में नए नए घोटालों का खुलासा होता है और राजनेता चुप्पी साध लेते, कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला? क्या हाल होगा जेठालाल का? भाई खुलासे का कौन सा गोला छूटने वाला है? लेकिन जो भी गोला छूटेगा वो आपके घरों में हंसी लेके आएगा। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्योंकि मैं जानता हूं आप बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि जेठालाल फंस गए हैं। भला आदमी फंसता है तो खुशी तो होती है, लेकिन खुशी बढ़ाने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।